नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MIM न्यूज एक्सप्रेस पर। जब नेता ही फर्जी मार्कशीट बनवा रहे हैं तो भ्रष्टाचार कैसे कम किया जा सकता है, ऐसा ही एक मामला अयोध्या जिले का है, जहां पर गोसाईगंज सीट के बीजेपी विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस मामले में विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है। सीट खाली होने की सूचना चुनाव आयोग को भेज दी गई है। 18 अक्टूबर 2021 को फर्जी मार्कशीट केस में MP MLA कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। ये मामला 29 साल पहले साकेत महाविद्यालय में अंक पत्र व बैंक पेपर में कूट रचित दस्तावेज के सहारे धोखाधड़ी करने के मामले में विधायक के साथ छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष व सपा नेता फूलचंद यादव और चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृपा निधान तिवारी को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया था। कोर्ट ने उन्हें 13,000 रूपए जुर्माना लगाया था। विधायक के अलावा 2 अन्य दोषियों को भी जेल भेज दिया गया था। और आपको बता दें कि MP MLA कोर्ट द्वारा सजा का ऐलान होते ही इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता खतरे में आ गई थी और नियम के अनुसार 2 वर्ष से अधिक की सजा होने पर सजा की तारीख से ही सदस्यता समाप्त किए जाने का प्राविधान है। इसी नियम के तहत प्रमुख सचिव विधानसभा सचिवालय प्रदीप कुमार दुबे ने अधिसूचना जारी करके 18 अक्टूबर 2021 से गोसाईगंज सीट रिक्त घोषित कर दी गई और मामला अयोध्या के थाना राम जन्मभूमि का वर्ष 1992 का है। 14 फरवरी 1992 में साकेत स्नानकोत्तर महाविद्यालय में फर्जी अंक पत्रों के आधार पर प्रवेश प्राप्त करने का मामला सामने आया था। इनमें फूलचंद यादव BSc प्रथम वर्ष की परीक्षा 1986 में फेल होने और बैक पेपर परीक्षा के बाद भी BSc द्वितीय वर्ष में प्रवेश पाने के योग्य नहीं थे, लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से दिए गए बैक पेपर के रिजल्ट में हेरफेर कर धोखाधड़ी और षड्यंत्र के आधार पर पास होने की मार्कशीट प्राप्त कर ली। और इसी तरह इंद्र प्रताप तिवारी ने BSc द्वितीय वर्ष परीक्षा 1990 में BSc तृतीय वर्ष और कृपा निधान तिवारी ने प्रथम वर्ष 1989 में LLB प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद फर्जीवाड़ा कर LLB द्वितीय वर्ष में प्रवेश प्राप्त कर लिया था। इन लोगों ने महाविद्यालय में छल व धोखाधड़ी के आधार पर प्रवेश ले लिया था। साकेत महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी के संज्ञान में ये मामला आया तब उन्होंने तीनों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए अर्जी दी थी। इसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस खबर में सिर्फ इतना ही। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए MIM न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।